नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। मधेपुरा में एक किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें, जब किशोर मोबाइल चार्ज कर रहा था उसी दौरान उसे करंट लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मधेपुरा के अंतर्गत चौसा में पीएचसी चौसा में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। किशोर चौसा पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 3 के कृष्ण टोला निवासी है, जहां उसका नाम सुशील कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोश ग्रामीणों ने पीएचसी के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, हालांकि सूचना पाकर पीएचसी पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी ने हंगामा कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि चौसा पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 3 के निवासी सुशील कुमार अपने घर में लगे बिजली बोर्ड से मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक सुशील को करंट लगा और वो बेहोश होकर गिर गए। घटना के बाद आनन फानन में उसे पीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने कहा कि करंट लगने से किशोर की पहले ही मौत हुई थी। डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप बिल्कुल गलत है। एसडीएम ने कहा कि करंट लगने से हुई किशोर के मौत की जांच की जाएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। अच्छा, यह कैसे मौत हुआ है? करंट से मौत हुआ? करंट से मौत हुआ। कितना हजार पावर है इसमें? 11,000। आपका नाम क्या है? संतोष। कौन लगते हैं उनका? दो समाज के लोग। अच्छा, समाज के लोग।